भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं प्रियंका गांधी ने जहां वीर भूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव जी एक नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री बने, 21वीं सदी की उन्होंने बात की और आज मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का जो युग है पूरी क्रांति हो गई है, देश में वो उन्हीं की देन थी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला और पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पूर्व पीएम राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रार्थना सभा के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आज सब उनके लिए श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए एक नौजवान जो देश प्रधानमंत्री बने और 21वीं सेंचुरी की बात करी, आज जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का जो युग है पूरी क्रांति हो गई देश के अंदर, वो उन्हीं की देन थी। जिस प्रकार उन्होंने संविधान में संशोधन किए थे, ये उत्तरवा चौहत्तरवा उससे स्थान निकायों को 50,000 को जो अधिकार मिले वो सबके सामने है। आज गांव में सरपंच जो है महिला बन रही है, दलित बन रहा है, पिछड़ा बन रहा है, पहले संभव नहीं था। बहुत बड़ी क्रांति हुई उस वक्त में, तो उनकी उपलब्धियों का आज भी हम याद करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है देश के अंदर कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों के जो प्रधानमंत्री थे या योगदान था उसको भुलाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी रूप में एक शब्द नहीं बोलते लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे ख्याल दुनिया के कोई मुल्क में नहीं होगा कि आप अपने विरासत में आप आके बैठे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं तो पुराने विरासत को भुलाए दो। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस में पार्टी को लगे झटके को लेकर भी बात की है। गुजरात के दिग्गज नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस से हाथ छोड़ने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भगदड़ नहीं मची हुई, इक्का दुक्का लोग तो जाते हैं, पहले भी गए हैं, अभी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। हम नहीं लेते हैं, आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं, लोग गुमराह करते हैं, मीडिया को दबाव में रखते हैं लोग, क्योंकि मीडिया वाले खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कभी बीजेपी के हार्ड कोर आरएसएस बीजेपी लोगों को लेती नहीं है, ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हमारे लोग तो जाते हैं उधर, नई बात नहीं हुई है, अलग पार्टी बनाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमें सूट नहीं करती है। इक्का दुक्का आदमी आया होगा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, ये आरएसएस का था, इक्का दुक्का आया होगा शंकर सिंह वाघेला की तरह गुजरात के अंदर, बाकी इनको ले कौन रहा है, नाम लेंगे इन लोगों को। वहीं राजधानी जयपुर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने तंज कसा है। सीएम गहलोत ने कहा कि देखिए नेशनल लेवल की मीटिंग थी बीजेपी की, टारगेट केवल वो नाम, उनका नाम नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, पर किया उन्होंने स्टेट को लेके ही उन्होंने ये कार्यकारी करी। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी कहा था, पूरे देश के राज्यों को कहा गया है कि राजस्थान का कोई मामला आए तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री पर और सरकार पर अटैक करो। यहाँ सब नेताओं कह दिया गया है, इनके जितने नेता सो कॉल्ड है जो 7-8 उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन सबको कहा गया है हम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, आप क्या बोलते हो
एक्ट करते हो। ये कार्यकारिणी का नाम राष्ट्रीय था, वो कार्यकारिणी राजस्थान के लिए थी, क्योंकि इतने घबरा गए हैं, इतने मैंने आपको कहा बार बार राजस्थान में आ रहे हैं इनके अध्यक्ष। कार्यकारिणी मीटिंग जैसी हमने अनाउंस किया वहाँ उदयपुर का प्रोग्राम, और इन्होंने अनाउंस कर दिया इस कार्यकारिणी, इतने घबराहट के अंदर है, क्योंकि राजस्थान की जनता राजस्थान में जो काम हुआ इस बार, इतने शानदार योजनाएं लाए गए हैं, हर वर्ग के लिए योजना लाए गए हैं, लगता है इस बार जनता का मूड रहेगा कि सरकार उन्हें लौटे कांग्रेस की लौट। ये इनको भय सता रहा कि इस बार कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, पब्लिक में ये मूड है, जानबूझ के पूरा फोकस इन्होंने राजस्थान पे कर रखा, इसलिए वो ये कार्यकारिणी की गई। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि मैंने कहा ना कल, पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा 50 साल तक हमें कोई नहीं ला सकता, 50 साल तक राज करेंगे हम लोग, ये कहा था 50 साल, अचानक 25 साल में आ गए। इसलिए मैंने कल कहा सीधे 50 साल 25 में आए, हो सकता है कल 5 से आ जाए। कांग्रेस में चिंतन सिंह के बाद जो कांग्रेस के युवा नेता है वो भगदड़ सी मची है, किस तरह देखते हैं? कोई भगदड़ नहीं मची हुई, इक्का दुक्का लोग तो जाते हैं, पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, हम नहीं लेते हैं, आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं, लोग गुमराह करते हैं, मीडिया को दबाव में रखते हैं लोग, इसलिए मीडिया वाले खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कभी बीजेपी के हार्ड कोर आरएसएस बीजेपी लोगों को लेती नहीं है, ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हमारे लोग तो जाते हैं उधर, नई बात नहीं हुई है, अलग पार्टी बनाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमें सूट नहीं करती है। इक्का दुक्का आदमी आया होगा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, ये आरएसएस का था, इक्का दुक्का आया होगा शंकर सिंह वाघेला की तरह गुजरात के अंदर, बाकी इनको ले कौन रहा है, नाम लेंगे इन लोगों को। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।